Hello everyone, let us discuss about the calculation of median value. Last lecture में हम लोगों ने एक question solve किया था, उसमें क्या था, the total जो value था frequency का वो 71 था और 71 is a odd number. Now क्या होता है, जब भी odd number या even number होता है उसके ऊपर depend करके हम लोगों को two different method use करना पड़ता है. पहले हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, पहले हम लोगों को क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वैल्यू इज 17 प्लस 37 54 प्लस 25 79 79 प्लस 26 105 105 प्लस 15 120 120 प्लus 12 इट इज 132 प्लस 14 146. ओके, इसमें अभी क्या है, 146 इज ए इवन नंबर, n इज इक्वल टू 146. सो हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे n बाय 12th टर्म. सो इट इज 146 डिवाइडेड बाय 2. So 146 divided by 2 is equal to 73. So 73 term. Then हम लोगों को find out करना होगा n plus 2, n by 2 plus 1. लेकिन उसके पहले हम लोगों को देखना होगा, जब भी odd number था हम लोगों ने find out किया था range, जहाँ पे ये 73 होगा. अभी देखो 73 का range क्या है, 54 and 79. मतलब 73, 54 एंड 79 के अंदर है. ठीक है, फिर हम लोगों को क्या कंसीडर करना है, ये जो हाईएस्ट वैल्यू है 73 से जो भी बिगर वैल्यू होगा उसको लेना है, एंड इसका जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है उसको हम लोग मीडियन कंसीडर करते हैं. तो हम लोग लिख सकते हैं 73 लाइज बिटवीन 54 and 79. Then you can write down 79 is greater than 73. So you can write down corresponding value of 79 is, corresponding value 79 का क्या है, 12 है. Corresponding value is 12. तो एक वैल्यू हो गया. नेक्स्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना है n बाय 2 प्लस 1 एट टर्म. ओके, सो दिस इज 146 बाय 2 प्लस 1. देन ये क्या होगा, 73 प्लस 1, बिकॉज 146 बाय 2 इज इक्वल टू 73. सो इट इज 74th टर्म. देन फिर से सेम प्रोसेस है. नाउ हम लोगों को फाइंड आउट करना है 74 किसके अंडर है. तो ये देखो वैल्यू. सो हम लोग लिख सकते हैं 74 लाइज बिटवीन 54 एंड 79. देन 79 इज ग्रेटर देन 74. सो हम लोग लिख सकते हैं करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 79 इज 12. इसके बाद मीडियन क्या होगा, मीडियन विल बी एरिथमेटिक मीन ऑफ n बाय 12 एंड n बाय 2 प्लस 1 एट टर्म. लेकिन इस केस में क्या है, दोनों वैल्यू हम लोगों को सेम मिला है, तो ऐसे हम लोग मेथड के लिए लिख सकते हैं 12 बाय 12 बाय 2, तो वैल्यू इज इक्वल टू 12. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये वैल्यू डिफरेंट होता है. अभी हम लोगों को ये वैल्यू सेम मिला है, इसका भी 12 मिल गया, इसका भी 12. समटाइम्स वो डिफरेंट होता है.